नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं अम्बाला से कांग्रेस की उम्मीदवार कुमारी शैलजा ने पंचकुला में जोरदार चुनावी प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल पहले राजनेताओं ने झूठे वादे जनता से किए थे जो आज तक पूरे नहीं किए गए। इसी के साथ साथ भाजपा के नेताओं ने 5 साल पहले एक ऐसी झूठ की राजनीति आरंभ की थी जिसकी वजह से आज भाजपा के नेताओं को जगह जगह पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनता से भाजपा ने 156 वादे ऐसे किए थे जो पूरी तरह से झूठे थे और आज तक उन्हें निभाया नहीं गया। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर की कीमत 5 साल पहले 400 रुपये थी और आज 800 रुपये है, जिसके कारण आज चारों तरफ जनता में आक्रोश है। लेकिन फिर भी भाजपा के नेता आज भी बाज नहीं आते जो झूठी बातें करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। पंचकुला पलपल से जग शेर राणा के साथ सुदेश की खास रिपोर्ट। और इन्होंने मेरी बात मानी और आज यहाँ पर आए। और एक और बात का मैं इनको धन्यवाद करना चाहूंगी, जो हमारा ये पंजाबी एकता मंच का भवन बन रहा इसके लिए इन्होंने 51 लाख रुपया दिया। अब चाहते तो ये कहीं कहीं जगह भी इन्होंने दिलवाई और इतना पैसा दिया तो ये कोई इनका घर का जिला नहीं है या अपना घर होम टाउन नहीं है, लेकिन इन्होंने ये हमारे लिए, तो मैं धन्यवाद करूँ क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन्होंने इतना पैसा दिया और ये इतना शानदार भवन बनवा रहे हैं, तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। साथियों, चुनाव का वक्त है, आपके कैंडिडेट होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपसे वोट की अपील करूं। साथियों, ना मैं नई हूं ना आप नए हैं, हमारा लंबा नाता हो चुका है। 2004 में जब पहली बार मैं यहां पर आई थी तब नए जरूर थे, क्योंकि उससे पहले मैंने चुनाव सिरसा से लड़े और सिरसा के लोगों का भी बहुत मुझे प्यार मिलता रहा, अभी तक प्यार मिलता है। पर जब 2004 में फैसला हुआ पार्टी द्वारा, सोनिया जी ने कहा कि अम्बाला से जाकर चुनाव लड़ो, तो मुझे लगता था कि ये कैसे होगा, मैं तो ज्यादा लोगों को यहाँ जानती नहीं। लेकिन जब मैं यहाँ आई तो आप जैसे लोगों ने इतना अपार प्रेम दिखाया, इतना सपोर्ट दिखाया और सब कुछ अपने कंधों पर जो जिम्मेवारी लेकर मेरा चुनाव लड़ा, तो मैं आज तक उस बात को याद रखती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। और सभी साथी जो 2004 में मेरी टीम में थे वो आज भी इसी मंच पर उसी तरह से विराजमान हैं और उसी मजबूती के साथ खड़े हैं, कम नहीं हुए बल्कि बढ़े हैं, क्योंकि अभी हमारी नौजवान पीढ़ियाँ भी साथ में जुड़ गई हैं। तो सभी लोगों ने मिलजुल कर जो तब बीड़ा उठाया, आज मैं समझती हूँ उसमें इजाफा है। लेकिन हमने यहाँ पर पहले भी काम करके दिखाया, दो बार अम्बाला संसदीय क्षेत्र में लोगों ने मुझे अपना सांसद चुना और हमने मिलजुल कर सभी साथियों के साथ मिलकर केंद्र से भी हम पैसा लेकर आए, राज्य से भी पैसा लेकर आए और अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में हमने कार्य किया और सेवा दी और लोग उस बात को याद रखते हैं और इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। लोग जानते हैं कि हम लोगों के प्रति समर्पित हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग फिर से मुझे अपना सांसद चुना। जनता से क्या उम्मीद है या आपको पूरा भरोसा है कि ये आपको जिताएंगे? मुझे उम्मीद भी है और भरोसा भी। और इस बार का चुनाव का आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि फिर से मौका मिले, ताकि पिछले 5 साल जो वातावरण एक ओर दूषित किया है भारतीय जनता पार्टी ने और दूसरी ओर जो विकास कार्य बिल्कुल हुए नहीं, कहा कुछ और किया कुछ नहीं, विकास कार्य करने की भी ज़रूरत है। ये देश के नेतृत्व में होगा या फिर विपक्ष की पार्टी को हराने के लिए? क्या मतलब? इस चुनाव का उद्देश्य जो है सिर्फ देश के नेतृत्व में जाएगा या फिर विपक्ष की पार्टी को हराने के लिए? विपक्ष की पार्टी का कोई मतलब नहीं है, जो वर्तमान सरकार है उसको तो जाना ही चाहिए, उसको जाना ही पड़ेगा,
क्योंकि लोग उनको ना करेंगे। नेतृत्व तो वही बदलना ही चाहिए और आप देखेंगे यहाँ के देश की जनता ने मैम पहले हम और आपने लेकिन 2019 में आप चुनाव रीजन ये है 2014 में मैम आप भविष्य में सीएम कैंडिडेट बन सकती हो ये हमारी पार्टी फैसला करती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कहेंगे? पहले बड़े बड़े बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आज के दिन आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्राइम्स बढ़ गए हैं महिलाओं के लिए, तो इसके लिए सबको केंद्र सरकार ने बहुत कुछ कहा लेकिन किया कुछ नहीं। निर्भया फंड अभी तक मन से नहीं लग पाया है, तो सुरक्षा के लिए राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार दोनों को देखना पड़ेगा। राज्य सरकार मुझे नहीं लगता कि कुछ विशेष कर रही हो, इन मुद्दों के प्रति उदासीन है। मैम अगर आप ये चुनाव जीत जाती है तो आप अपने शहर को किस स्तर पे लेके जाएंगे? मेरा एक शहर नहीं है, मेरे बहुत शहर जी अपने ही शहर अपने देश को अम्बाला संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे शहर हैं, बहुत सारे गांव हैं, हमने सबको चमकाना है और सबको उनका अपना हिस्सा देना है। और 2014 से 2019 के बीच में बीजेपी किस मामले में चूक गई? बीजेपी हर मामले में चूकी है, 154 वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं किया है।